तो दोस्तों, क्या आप लोग सैमसंग गैलेक्सी S21 FE आप लोग लेना चाहते हैं, तो पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि इस फोन में आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या प्राइस के साथ आपको ये फोन देखने को मिल जाएगा। तो बस वीडियो को इन तक देखेंगे, और आप हमारे चैनल में या वीडियो में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये फोन आपको 8GB रैम के साथ 128GB के स्टोरेज में आपको 32,390 में मिलने वाला है। तो इसकी परफॉर्मेंस की अगर हम बात कर ले तो आपको मिलने वाला है सैमसंग की तरफ से Exynos 2100, ठीक है। इसके साथ साथ इसकी डिस्प्ले की अगर हम बात कर ले तो डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले आपको 6.4 इंचेस का आपको देखने को मिल जाएगा, जिसकी रेगुलेशन की अगर हम बात कर ले तो 1080x2340 पिक्सल तक आपको देखने को मिल जाएगा। गोरिल्ला ग्लास आपको देखने को मिल जा रहा है, जो कि काफी बेहतरीन है। स्क्रीन प्रोटेक्शन है, टच स्क्रीन की अगर हम बात कर ले तो मल्टी टच आपको देखने को मिल जा रहा है। बेजललेस डिस्प्ले विद पंच होल डिस्प्ले भी आपको देखने को मिल जा रहा है इसमें। वहीं अगर हम ब्राइटनेस की अगर हम बात कर ले तो 1200 निट्स का आपको देखने को मिल रहा है। रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आपको ये फोन देखने को मिल जाएगा। 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ ये फोन आपको देखने को मिल जा रहा है। वहीं अगर इसे वेट की बात कर ले तो 177 ग्राम इसका वेट रखा गया, जो की एवरेज है। वाटर प्रूफ काफी बेहतरीन है। कलर की अगर हम बात कर ले तो आपको इसमें 2 से 3 कलर में आपको देखने को मिल जा रहा है, व्हाइट, लेवेंडर, ग्रेफाइट और ओलिवा कलर में आपको देखने को मिल जा रहा है। मेन कैमरा की अगर हम बात करें तो ट्रिपल कैमरा आपको मिलने वाला है, 12 MP की अपर्चर, 1.8 प्राइमरी कैमरा आपको मिलेगा। 12 MP की अगर हम और बात करें तो अपर्चर 2.2 अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा आपको मिलेगा। तीसरा जो कैमरा रहेगा वो टेलीफोटो का कैमरा रहेगा, जो कि 8 MP का अपर्चर 2.4 रहेगा। वही अगर हम बात करें और डिटेल से इसकी तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको इमेज रेगुलेशन की अगर हम बात कर ले तो 4000x3000 पिक्सल तक आपको देखने को मिल जाएगा। कंटिन्यूस शूटिंग मोड भी आपको देखने को मिल जा रहा है, HDR, डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन, टच टू फोकस आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात कर ले तो आपको 240 FPS तक, 960 FPS और उसके साथ साथ 60 FPS तक आपको देखने को मिल जा रहा है। वहीं फ्रंट कैमरा की अगर हम बात कर ले तो 32 MP का अपर्चर 2.2 वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग अगर हम बात कर ले तो 30 FPS पर आपको रिकॉर्डिंग करके फोन देगा। बैटरी की अगर हम बात कर ले तो 4500 mAh के आपको बैटरी देखने को मिल जा रहा है। 25 W का फास्ट चार्जर के साथ ये फोन आपको देखने को मिलेगा, जो कि 30 मिनट्स में आपको 50% चार्ज करके ये फोन दे देगा। यानी कि सारा फीचर्स मैंने आपको बता दिया, जो मेन फीचर्स है इस फोन के बारे में सारा कुछ मैंने आपको बता दिया कि क्या परफॉर्मेंस, क्या डिस्प्ले के साथ ये फोन आपको मिलने वाला है, जो कि काफी बेहतरीन है। अगर आप लोग इस फोन को लेने का सोच रहे हो तो आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि काफी कम बजट में ये फोन आपको मिलने वाला है, और अभी बिग बिलियन डे सेल भी चालू होने वाला है। तो अगर आप लोग कुछ दिन और रुक जाते तो यही फोन आपको अप्रोक्स 28 से 27 हज़ार में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल या वीडियो में नए होंगे तो ऐसे और आप लोग जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, अभी तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।